डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही लीगी रहनुमाओं ने पोस्टें हटाना शुरू कर दी हैं। जिस वक्त से डोनाल्ड ट्रंप की जीत का ऐलान हुआ है, ये जुमला सोशल मीडिया सार्फीन और खास तौर पर इमरान खान के हामियों ने अपनी तोपों का रुख अहसन इकबाल की तरफ कर लिया है। ये सारा मामला क्या है, आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का ऐलान होते ही पाकिस्तान के वफाकी वजीर अहसन इकबाल सोशल मीडिया पर टॉप 10 बन गए हैं। सोशल मीडिया सार्फीन की जानिब से अहसन इकबाल को शदीद तनकीद का सामना है। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत का ऐलान हुआ तो वफाकी वजीर अहसन इकबाल की माजी में की गई मुबैना एक्स पोस्टों के स्क्रीनशॉट मंजरेआम पर आए हैं, जिनमें उन्होंने कैपिटल हिल पर हमले की वजह से नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया हुआ था। ताहम सोशल मीडिया सार्फीन का कहना है कि जैसे ही अहसन इकबाल को इल्म हुआ कि ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, तो उन्होंने ये तमाम पोस्टें अपने एक्स अकाउंट से हटा दी हैं। ताहम सार्फीन का ये दावा दुरुस्त नहीं, क्योंकि अहसन इकबाल के एक्स अकाउंट पर ये ट्वीट्स अभी भी मौजूद हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजीद अपडेट्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए vnews.pk।